बिहार में पुलिस और प्रशासन लगा रही है दबंगों पर लगाम, बावजूद इसके कानून व्यवस्था ठप है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा सामने आया है। घटना गया जिले के उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र बांके बाजार का है, जहां के गुंडों ने पेट्रोल पंप ही फूंक डाला। बताया जा रहा है कि जहां की ये घटना है उससे करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थाना है। बता दें कि 2 दिन पहले इसी क्षेत्र में अपराधियों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक रंगदारों की डिमांड पूरी नहीं करने पर अपराधियों के गिरोह ने तरवन मोड़ पर पेट्रोल पंप में आग लगा दी। वहीं पास में खड़ी स्कूल बस और बाइक को भी फूंक डाला। सुनिए क्या था पूरा मामला खुद मौके पर मौजूद पंप के मालिक से। 9 बजे लोग, 2 लोग आया, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, पिस्टल दिखाया, पैसा नहीं देके चल गया। उसके बाद उसको पीछा किया गया, पीछा करते करते डेल्लो रोड में घुसा। डेल्लो रोड में घुसने के बाद पहले थाना को इन्फॉर्मेशन दे गया कि चोर उधर भाग रहा है, पेट्रोल इतना पैसा लेकर के और पेट्रोल लेकर के। थाना फिर बाद में डेल्लो रोड में गया, फिर डेल्लो में फ़ोन किया गया, इधर से 2 मोटरसाइकिल से चोरी करके भाग रहा है। डेल्लो में गाड़ी ऐसी क्या बोलते हैं डीजे वाला, उसको रोड पर लगा देवल गया, वहाँ जाके चारों एक्सीडेंट कर गया दोनों मोटरसाइकिल। आग लगा, फिर वो लोग लौट करके वहाँ से हम लोग चल गए थाना, थाना में बैठे थे, तब यहाँ से फिर फोन गया कि यहाँ पंप पर आग लग गया करीब 11 बजे। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात को तरवन मोड़ के पास अनन्या पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार होकर 4 लोग पहुंचे। इसके बाद बदमाशों ने कट्टा दिखाते हुए पंप कर्मी को बाइक की टंकी फुल करने को कहा। बदमाशों के पास कट्टा देखकर पंप कर्मी ने बाइक की टंकी फुल कर दी। जब कर्मचारियों ने पैसे की मांग की तो आरोपी भड़क गए और उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद चारों बदमाश बिना पैसे दिए पंप से चले गए। इसी दौरान अपराधियों ने पंप में आग लगा दी। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना में 4 वेल्डिंग नोजल जल गए। इसके बाद बदमाशों ने पास खड़ी एक स्कूल बस और एक बाइक को भी फूंक दिया। बता दें कि पुलिस इस मामले पर आगे छानबीन कर रही है। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।